ये लड़की उतर भी नहीं रही है बाइक से, चिपक गई है, चेक करो। अंकल उधर से भी काफी जगह थी गाइस, देख रहे हो। सो गाइस ये देखो यार, लग गई है बाइक चलाने, देख रहे हो। सो फाइनली गाइस अब ये निकलने लगे हम यहाँ से हाईवे वाली साइड। मेरे साथ अभी बैठी हुई है दीप्ति। सो यार इधर रोड की कंडीशन देखो आप, कितने ज़्यादा खड्डे रखे हुए हैं, इतना सा रोड ठीक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। मतलब हॉस्पिटल है तब भी यहाँ पे ये हाल है। तेज चला लूँ, डर तो नहीं लगता है ना? नहीं लगता ना, फिर ठीक है। सो गाइस अभी मैं यार दीप्ति को पूछ रहा था तेज चला लूँ डर तो नहीं लगता, क्योंकि पूछना पहले ही ज़रूरी है यार, पता लगे मैंने तेज चलाई और ये पीछे डर रही है। चाचू इंडिकेटर दे दो, कैसे कैसे लोग हैं यार, बाद में फिर गलती निकालेंगे दूसरे बंदे की जो पीछे से आगे बजेगा। ये लग चुका है यहाँ पे ट्रैफिक यार, तो निकलते हैं हम ट्रैफिक में से जल्दी से। कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यार। अबे इसको तो पोल्यूशन का चलान होना चाहिए यार, कितना ज़्यादा पोल्यूशन उड़ा रहा है ये। आज तो आपने बहुत भगाई है, अभी देखते हैं हाईवे पे, देखते हैं वहाँ पे ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा था ना, मैं इसलिए खींच नहीं रहा था, करें फिर चेक। सो गाइस यहाँ से लगने वाली है R15 और RS की रेस, रोड खाली है। ओए यार गियर स्लिप हो गया, चढ़ गई 100 107। R15 देखो भाई किस हिसाब से जा रहा है यार, ओ भाई 130 चढ़ गई है यार। तहसीन भैया फुल मूड में यार राइड के, देख रहे हो। ओ वाह यार भाई, Version 3 देखो किस हिसाब से चल रहा है यार, पूरा खींचा हुआ है बाइक को, देख रहे हो। क्या लीन कर रहे हैं यार तहसीन भैया, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। एक सौ 117 पे बाइक लीन करवा रहे हैं वो देखो। ओ भाई गाइस यार तहसीन भैया ने तो माना ही नहीं बिल्कुल भी यार, कसम से। ओए यार मैं पूरी बाइक भगा रहा था मगर मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ इनको। वाह 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 वाह, ये देखो ये चेक करो आप, चल क्या रहा है देख रहे हो। आप नहीं मेरे पीछे बैठे होते ना, फिर मैंने खींचनी थी अपने हिसाब से, ऐसे में बीच बीच में ब्रेक लगा रहा था थोड़ी थोड़ी। ओए गाइस हम भी यार अब करते हैं ट्राई तहसीन भैया को पास लेने का। तो यहाँ देखो लीन चेक करो आप, मज़ा आ गया है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली राइड हुई आज यार। सो गाइज अभी मेरे पीछे यार दीप्ति बैठी हुई है, मैंने इसलिए मतलब उसी हिसाब की बाइक भगाई नहीं है, अगर मैं अकेला होता तो फिर तो मतलब नेक्स्ट लेवल रेस होने वाली थी। ये देखो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे आज ये रहने दो यार, चलो आओ आओ। अबे यार Version 3 है क्या है, देख रहे हो आप गाइस पिकअप यार, मान गया भाई मान गया, Version 3 है गाइस, इसलिए अपने V3 बॉस यार ये बाइक चलाते हैं, क्योंकि ना
नेक्स्ट लेवल पावर है इस बाइक में कसम से। ये चढ़ गई 110, 120 तो यहाँ पे करते हैं हल्की सी लीन बाइक। ये होगी यहाँ पे खतरनाक वाली लीन, ये चेक करो आप। ओ भाई ये हुई खतरनाक वाली लीन, यहाँ पे ये चेक करो आप। ओए निकलते हैं यहाँ से फुल पावर। बाइक लगा दो आप साइड में, यहाँ पे रुक लेंगे। सो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे यार राइड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया। होए होए मेरे को नहीं समझ आई इस बाइक का चक्कर क्या है, मगर जो भी चक्कर है ना पावर है। किसको ऐसे मतलब इसको देख के थोड़ा सा मैंने कहा पीछे लड़की बैठी हुई है, अकेला होता फिर आपको पता है। नहीं नहीं खींच रहा था मैं, अपने से पूरी खींच रहा था। मतलब ये सही है उससे तो सही। मेरे को पता क्या लगता है इस पे ना ड्रैग रेस की एक वीडियो तो बनती है, V3 और RS 200 पक्का एक ड्रैग रेस बनती है इस पे। मैं नहीं मानता ठीक है ना, ड्रैग रेस करो फिर मानूंगा मैं ठीक है, जब दोनों अकेले होंगे ना पक्का पक्का। ओके ड्रैग रेस आने वाली है गाइस, अगर आपको ये वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, ड्रैग रेस की वीडियो चाहिए आपको R15 और RS 200 की, फिर जाके ये वीडियो हम बनाएंगे वरना हम नहीं बनाएंगे। क्या हाल है पुनीत? और अबे यार व्लॉग बनाने आए थे यार, V3 RS को नहीं मान रही। मगर चक्कर ये था मेरे साथ दीप्ति बैठी हुई, मैंने खींची नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ नहीं RS नहीं मानती है। तेरा क्या कहना है, तू क्या बोलता है, RS मानती है V3 को? इस पे वीडियो आनी चाहिए ना, ड्रैग रेस आनी चाहिए ना दोनों पे। इधर देखना पीछे रह गया था, मैं बोल रहा ना मैं ड्रैग रेस पक्का करूंगा आपके साथ, मैं पक्का करूंगा ड्रैग रेस और हराऊंगा आपको ठीक है। तो गाइस ये ना बात अब चैलेंज पे आ गई है यार, अपनी RS की ना इंसल्ट वाली बात है, अगर ये जीती नहीं इनसे तो अब पक्का भी इस पे वीडियो आएगी। सो गाइस यहाँ से हम निकले हैं वापस जहाँ पे अब हमने रील शूट करनी है, क्योंकि यार आपको पता है रील भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो तहसीन भैया आज बहुत खुश लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यार आज इन्होंने मुझे हरा दिया है, बट चलो कोई बात नहीं, अब ड्रैग रेस तो बनेगी यार इस बात पे, क्योंकि अब RS की ना इंसल्ट हो चुकी है, क्योंकि ये पीछे रह गई है। तहसीन भैया बहुत बोल रहे थे तू हार गया ये है वो है, अब अगली रेस में हम इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन करेंगे। भाई बात मानने वाली है कि CC इसकी ज़्यादा है उसकी CC कम है, बट ये है कि पावरफुल इंजन है उसका, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है, क्योंकि आप सबने देखा मैं भी पूरी भगा रहा था और वर्जन 3 भी पूरी यार मुझसे आगे ही थी, कहीं भी मैंने एक जगह पास ली वो भी इन्होंने खुद रोका हुआ था। ये देखो इनको क्या होता है ये देखो। सो यहाँ से करते हैं हम भी यार थोड़ी सी स्पीड। सो गाइस तहसीन भैया से लेते हैं, ये देखो खुद पास दे रहे हैं, ये ले ली अब पास, अब नहीं मिलेंगे तहसीन भैया को, अब खींचता हूँ मैं, अभी तक खींची नहीं थी। सो गाइस अब खींच रहा हूँ मैं बाइक, अभी तक खींची नहीं थी, अब देखते हैं तहसीन भैया कहाँ रहते हैं। तो यहाँ से खींचते हैं अब हम अपनी बाइक। गाइस ये चेक करो 120।
30। तसीन भैया रह गए पीछे, अब नहीं निकले आगे। फिर से 120। सो अब थोड़ी सी लीन कर लेते हैं हम यहाँ पे 120 की स्पीड में। गाइस बाइक लीन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चेक करो। ओए यार मजा आ गया। सो यहाँ से हम ले लेंगे बाइक नीचे। सो इधर लगाते हैं हम अपनी बाइक यार छाव में। इंजन काफी गर्म हो गया होगा। ये देखो ये लड़की उतर भी नहीं रही है बाइक से, चिपक गई है, चेक करो। अंकल उधर से भी काफ़ी जगह थी। अच्छा मोड़नी है, सॉरी सॉरी गाइस यहाँ पे सीन हो गया था, अंकल ने ले लिया था गाड़ी के नीचे। ओए यार बच गया, बार बार बच गया। सही है यार। तो इसको देखो, इसके बालों की हालत क्या हो गई है, ये चेक करो आप। उतर ही नहीं रही है बाइक से, मैंने भी स्टैंड लगा दिया, दो बार इशारा करवाया उतर, नीचे उतरी नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको बाइक के ऊपर। और बाइक अभी स्टार्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आए हैं, थोड़ी देर तक हम ऐसे ही रखेंगे। सो ये चेक करो आप, तहसीन भैया लग गए हैं, जो हर बार का इनका होता है वही करने। ये देखो बाइक इन्होंने कहाँ स्टैंड लगाई है, गिर गई गिर गई गिर गई। ये लो ये तहसीन भैया का हर बार का है, इन्होंने बाइक ऐसी खड़ी करनी होती है अपनी। सो पता लगे लड़कियों ने गियर डाल दिया, अब कर देते हैं बाइक बंद हम। सो गाइज यहाँ पे कोमल भी पहुँच चुकी है। सो हेयर स्टाइल चेक करो लड़की का यार, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च रही है अपने पे, दिखा दिखा हेयर स्टाइल। सो गाइज ये देखो इसने डेड लॉक करवाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो सुबह मैंने इसको कॉल करा था तब ये फ्री नहीं थी, अभी देखो अचानक से यहाँ पे पहुँच गई है। तो गाइज ये चेक करो, ये आपके भाई का फ़ोन, ये देखो टूटा हुआ फ़ोन, जिससे आपका भाई एडिटिंग वगैरह और सब काम इसी से करता है। ये देखो देख रहे हो इतनी गरीबी आ गई और आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, अभी भी रिचार्ज खत्म है और हॉटस्पॉट लेना पड़ रहा है मुझे इस लड़की से। यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, देवी कोमल चलाने वाली है, यहाँ देखो मेरी RS, ये चेक करो आप। राजा भाई इधर देखो सिखा रहे हैं उसको, थोड़ा थोड़ा देते चलो, चल चल देना, रेस भी क्लच भी छोड़, ब्रेक छोड़ ब्रेक छोड़ ब्रेक छोड़ ना ब्रेक छोड़। तो गाइस ये इसने मेरी 220 तो बड़ी बार चलाई है आज, RS इसको मैंने फर्स्ट टाइम दी है। आगे देख आगे दे दे रेस दे, आराम आराम से, आराम आराम से छोड़ 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 आराम आराम से, झटके से नहीं छोड़ना, रेस भी दे। सो गाइस देख रहे हो। सो गाइस ये देखो यार लग गई है बाइक चलाने, देख रहे हो, बस आराम आराम से चलती रह चलती रह चलती रह, दे रेस आराम आराम से, ज्यादा रेस नहीं देना, रोक अब आराम आराम से, रोक रोक आराम आराम से। सो फाइनली गाइस क्या हो गया। सो गाइस यार कोमल ने यहाँ बाइक चला ली है, आराम से मुड़ने में ही आराम से मुड़ती है। ओ वाह यार ये खुद मुड़ रही है, आराम से हाँ चलने दे, अब क्लच पकड़ ले पूरा पूरा, क्लच पकड़ ले पूरा, रेस क्यों दे रही है इतनी, ब्रेक आराम से मारना ठीक है। तो गाइस ये देखो यार ये लेके चली गई बाइक। यार गाइस ये लड़की बाइक चला रही है, मुझे इसके पीछे भागना पड़ रहा है, देख रहे हो आप, लगा लगा स्टैंड आराम से। अच्छा उससे ज्यादा इजी है, तेरी है ये, तेरी है टेंशन मत ले, जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा ना तेरे को मैं बाइक गिफ्ट करूंगा, ये प्रॉमिस है, इस व्लॉग में बोल रहा हूँ मैं ठीक है, पक्का प्रॉमिस है ठीक है। वीडियो चाहिए अब, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैं लेके आता हूँ ठीक है, ओके।
राजे भाई थैंक यू यार, आपने कॉन्फिडेंस दिया इसलिए मैंने इसको बाइक दी, नहीं तो नहीं देनी थी। जो जो यार कोमल और मेरा व्लॉग देखना चाहता है इस बाइक पे, वो कमेंट करके बताओ कि कोमल को नेक्स्ट राइड पे कोमल को बाइक दी जाए या नहीं दी जाए। सो जो जो चाहते हैं कि इसको बाइक दी जाए और इस बाइक पे कोमल और मेरा व्लॉग आए, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाकी आपको पता ही है वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जो भी चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तू कर आज बाय बाय यार, मैं नहीं करूँगा, ठीक है? सो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।